फाटसरण वीर और दीपिका में से कौन है ज्यादा अमीर? रॉयल शादी में खर्च कर डाले इतने करोड़ रुपए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कोंकणी और सिंधी तरीकों से शादी की और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दोनों की शादी की चंद तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। 18 नवंबर को दीपिका और रणवीर इटली से मुंबई लौटे। यहां दोनों का फैंस और मीडिया ने भव्य स्वागत किया। दीपिका और रणवीर एक जैसे कपड़े पहने थे। दीपिका मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ा पहने दिखी। इस समय दोनों के सितारे बुलंदी पर है। दोनों के पास फिल्मों की कतार लगी हुई है। रणवीर एक फिल्म का 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, वहीं दीपिका भी एक फिल्म करने के लिए 9 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। दोनों ने अपनी शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि शादी के बाद कुल मिलाकर दोनों की संपत्ति कितनी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका की। दीपिका बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में उन्होंने 12 करोड़ रुपए फीस ली थी। फिल्म पद्मावत में दीपिका की फीस रणवीर और शाहिद कपूर से भी ज्यादा थी। फोर्ब्स ने साल 2017 में 100 सबसे अमीर सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की थी। इसमें दीपिका पादुकोण 11वें नंबर पर थीं। उनकी कुल संपत्ति 59.5 करोड़ बताई गई है। वहीं दीपिका ब्यूटी ब्रांड गुआइबिबो, लॉरेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स जैसे ब्रांड की एड करती हैं। इसके लिए दीपिका 5 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। बॉलीवुड में रणवीर सिंह फोर्ब्स 2017 के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज के लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। रणवीर सिंह की कुल संपत्ति 62.6 करोड़ रुपए है। रणवीर सिंह टूरिज्म, चिंग सीक्रेट, जैक एंड जोन्स, रूपा फ्रंटलाइन जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड करते हैं। अभी तक फोर्ब्स ने सबसे अमीर सेलिब्रिटीज 2018 की लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में साफ होता है कि कमाई के मामले में रणवीर दीपिका से ज्यादा अमीर हैं। दोनों ने अपनी शादी पर कुल 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दीपिका ने शादी में 1.5 करोड़ का लहंगा पहना था, वहीं उनकी एंगेजमेंट रिंग 3 करोड़ रुपए की थी। साथ ही दीपिका के मंगलसूत्र की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है।